नमस्ते दोस्तों, आज की मेरी कहानी है कारगिल युद्ध के योद्धा अब तक के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की। 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले व एलओसी के बीच टाइगर हिल पर लगभग 22 दिन चले इस युद्ध की। योगेंद्र सिंह यादव 19 वर्ष की आयु और 2.5 साल का सेना का अनुभव लेकर 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के घातक फोर्स कमांडो में शामिल थे, जिनका निशाना था टाइगर हिल पर कब्जा। 3-4 जुलाई की रात थी, सुबह के समय हमारे जवान टाइगर हिल के बर्फीले पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई चढ़े जा रहे थे। उन पर दोनों तरफ से हमला हुआ, दुश्मन के दोनों तरफ बंकर थे, इनको नष्ट कर दिया गया। परंतु ऊपर तो केवल हमारे साथ ही जवान पहुंच पाए, लेकिन ऊपर तो करीब 150 से भी ज्यादा आतंकी थे। वो बार बार हमारे जवानों पर हमला कर रहे थे, एक एक करके हमारे सभी जवान शहीद हो गए। यादव जी को भी बहुत गोलियां लगी हाथों में और पैरों में। पाकिस्तानी कमांडो को लगा कि सब मर चुके हैं। उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। उसके बाद उनके जवान आए और हमारे जवानों पर गोलियां दागने लगे, खूब ब्रश मारे, जूते मारे, गालियां दी। यादव जी बेहोश थे पर सुन पा रहे थे, उनको भी बहुत गोलियां मारी पर वो चुपचाप सहते रहे। अब पाकिस्तानियों को यकीन हो गया कि सब मर चुके हैं, तो उनके कमांडो ने कहा कि इनके वेपन उठा लो और नीचे हिंदुस्तान की पोस्ट पर हमला कर दो। तब यादव जी ने भगवान से यही प्रार्थना करी कि मुझे इतना जिंदा रखना कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं और उन्हें बचा सकूं। फिर उनके जवान आए और फिर से ब्रश्ट मारने लगे। अब की बार यादव जी के सीने पर गोली डाली, पर उनकी जेब में कुछ सिक्के थे जिस पर गोली लगी। उनका जवान यादव जी की AK-47 लेकर जाने लगा तो उसका पैर यादव जी के पैर से टकराया। तब यादव जी को एहसास हुआ कि वह जिंदा है और उनकी सांसें अभी चल रही है। उसी समय उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड निकालकर फेंका तो पाकिस्तानी के हुड में जाकर फंस गया और उसका सर फट गया। तो पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई, उन्हें लगा कि नीचे से भारतीय फौज आ गई है। तब यादव जी ने पास पड़ी राइफल उठाकर 4-5 पाकिस्तानियों को मार मौत के घाट उतार दिया और तब तक पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो चुके थे और वे भाग खड़े हुए। जर्जर हालत में भी यादव जी ने नाले में लुढ़क कर 500 मीटर तक नीचे आए और अपने कमांडर को सूचना दी। यादव जी को 19 गोलियां लगी, वह 16 महीने तक अस्पताल में रहे, पर टाइगर हिल जीत कर आए। ऐसे हैं हमारे देश के परमवीर सैनिक, जो अपनी नहीं राष्ट्र की परवाह करते हैं। मैं सभी सैनिकों को नमन करता हूँ। जय हिंद।